अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ टॉक। और आज हमारे साथ हैं शाज़ेब राव, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के इन साडा नस्ट। साडा नस्ट का एक स्कूल है, स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। और आज शाज़ेब हमारे साथ अपने कैरियर के बारे में शेयर करेंगे कि उन्होंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का कैरियर किस तरह से चूज़ किया, उनकी कैरियर जर्नी क्या थी, और वो आज HOD की पोस्ट पे किस तरह से पहुंचे। सो शाज़ेब ब्रो, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। तो शाज़ेब ब्रो, हाउ यू स्टार्टेड योर कैरियर एज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर? आपने अपनी स्टडीज का स्टार्ट कहाँ से लिया? डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो मैं कहूँगा कि ये एक एक्सीडेंट था। Unlike you are an industrial designer as well. You knew about this field before. But for me, mere liye ek accidental tha. I started my professional studies in university as telecommunication engineer. But mujhe bahut jaldi realize ho gaya ki it was not for me. To uske baad then I switched to computer system engineering in UET. Aur UET kis jagah pe? Mehran. मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो मेरा ताल्लुक जो है वो सिंध के एक शहर हैदराबाद से है जी। तो मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग स्टार्ट की एंड आई रियलाइज्ड कि वो भी वाज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन। तो देन आई वाज स्टार्टेड लुकिंग फॉर यू नो स्कॉलरशिप्स और आई जस्ट वांटेड टू लीव द कंट्री एट दैट टाइम। सो देन आई वेंट टू साउथ कोरिया, आई गॉट स्कॉलरशिप देयर और वहां जाके मैंने तो यूईटी से साउथ कोरिया किस तरह से प्रोग्राम में था आपका? यूईटी से साउथ कोरिया का वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को ज़रा ज़्यादा तरीके से ढूंढने की कोशिश करें तो मिल ही जाती है आपको। तो आई न्यू फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आई डिड नॉट फिट इनटू कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। नहीं, नॉर्मली लोग या तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या यूके जाते हैं या यूएस की किसी कंट्री में जाते हैं या किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं। साउथ कोरिया इज लाइक अ टोटली डिफरेंट कंट्री, और मतलब बहुत कम ही लोग होते होंगे जो साउथ कोरिया जाने का सोचते होंगे। तो आपको साउथ कोरिया का किसी ने बताया था, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, मतलब कोरिया क्यों, वाई कोरिया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी स्विच कर चुका था तो इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन टू गो टू माई पेरेंट्स एंड सेड कि सही के भाई मुझे अब किसी और जगह भेज दो। सो आई वॉज लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स। तो वन ऑफ माई प्रोफेसर, he recommended me South Korea. In UET? Yeah, in UET, yes. He was my chairman. So he told me about this university, Ulsan National Institute of Science and Technology in South Korea. And he told me about the stipend, ke bhai aap wahan ja ke padhenge to aapko paise milenge. Acha, padhne ke bhi paise milenge? Padhne ke bhi paise milenge. Ye maine bahut kam suna hai ki padhne ke bhi paise milte hain. So I was like, ke, apply kar dete hain. Maine apply kar diya without telling my parents. Okay. Aur phir jab mera admission ho gaya, तो मैंने अपने घर वालों को बताया। सो दे वर लाइक कि यार ये क्या मतलब, यू डिडंट टेल अस। तो मेरी मदर ने मेरे फादर को कन्विंस किया कि कोई नहीं, वीजा नहीं लगेगा, फिकर ना करें आप। अच्छा, दे वर सो श्योर के वीजा नहीं, दे वर दे डिडंट इवन बिलीव कि कोई स्कॉलरशिप जैसी चीज भी होती है। तो जब मेरा वीजा लग गया तो नहीं, असल में पाकिस्तान में तो हमने कभी नहीं सुना ना कि आपको फुल स्कॉलरशिप पे कहीं पे स्टेड। उस वक्त तक मुझे नहीं अंदाजा था कि इस तरह की कोई चीज होती है पाकिस्तान में। तो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू बिकम अ इंजीनियर या डॉक्टर भी। यूएस यूके जो स्टूडेंट्स जाते हैं हमारे नॉर्मली अंडरग्रेड, वहां पे वो काफी ज्यादा फीस पे करते हैं। तो फिर मेरा वीजा आ गया, तो आई वेंट टू उल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उल्सन एक शहर है साउथ कोरिया का, जहां पे ह्युंडई इंडस्ट्री, उनकी हैवी इंडस्ट्री जहाँ पे वो शिप्स बनाते हैं और अपनी गाड़ियों का जो प्लांट है उनका ह्युंडई का, वो भी वहाँ पर है। अच्छा, सो आई देन वेंट एंड जॉइंड। नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज तो कोरिया आई थिंक बहुत आगे है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा इवन सैमसंग आई थिंक जी जी सैमसंग एलजी किया ह्युंडई ये सारी जो कंपनीज हैं ये। अच्छा, तो जब आपने स्विच किया, आप कोरिया गए, तो व्हाट वाज the experience जब पाकिस्तान से आप एक, क्योंकि उस वक्त आपकी एज भी आई थिंक कम होगी। जी, आई वाज 18 एट दैट टाइम। हां, तो 18 साल की उम्र में आप कोरिया गए, अ टोटल डिफरेंट कंट्री, और आई थिंक आप अकेले गए थे बिल्कुल। जी जी, मैं बिल्कुल अकेला गया था। तो कोई रिलेटिव था वहां पे या? आई न्यू नो वन। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने एयरपोर्ट से अपनी यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, बिकॉज़ आई वाज यंग, आई डिडंट रियलाइज कि जी ये सब चीजें प्लान करनी होती हैं। बस मैं वहां पहुंच गया, उसके बाद मैंने जाने की जल्दी ज्यादा थी। तो मैं जब वहाँ पर लैंड किया, देन आई रियलाइज कि यार ये तो मतलब यहाँ पे किसी को इंग्लिश भी नहीं आती और मैं कैसे जाऊँगा।
And I was showing my documents that I had with me, जो मैं मेरी यूनिवर्सिटी से मिले थे. तो गए किस तरह? Obviously वहाँ पे language barrier है. और जी जी, आपको कोरियन आती थी वहाँ पे? नहीं, मुझे कोरियन नहीं आती थी. तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसकी जितने भी मोड ऑफ एजुकेशन था वो इंग्लिश में था, ठीक तो है, उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हेल्पफुल टू फॉरनर्स, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ कि कोई मसला हुआ हो कम्युनिकेशन के अंदर. लेकिन फिर मैंने बेसिक कोरियन भी सीख ली थी. कोरियन इज़ नॉट दैट हार्ड टू लर्न, बेसिक जो कोरियन होती है आपकी, तो इट वॉज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. तो पहला दिन यूनिवर्सिटी का किस तरह का था? मतलब पहले दिन जब गए तो पहले दिन ही इंडक्शन थी आपकी या पहले दिन? नहीं, आई रीच देयर अ वीक बिफोर माय ओरिएंटेशन. तो ओरिएंटेशन जब स्टार्ट हुई तो हम पाकिस्तानी, हम सोते रह गए, ओरिएंटेशन में नहीं जा सके. तो आई डिडंट अटेंड एनी ओरिएंटेशन. फिर उसके बाद जब सेकंड डे था, जिसमें जाके मुझे एक नई चीज़ पता चली, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अब आके मैंने देखा है कि आ रही है, कोर्स रजिस्ट्रेशन. हमें तो ये पता था यूईटी के अंदर और उससे पहले भैरी यूनिवर्सिटी के अंदर, कि आप जब क्लास में जाके बैठते हैं आपको पता होता है कि 5 कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन है, टीचर आएंगे पढ़ाएंगे आप चले जाएंगे. वहाँ पे आपको खुद कोर्स रजिस्टर करने होते हैं, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था और काफ़ी ओवरवेलमिंग भी था. तो आप खुद अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे आपको अपने कोर्सेज खुद रजिस्टर करने होते हैं. ठीक. तो नो, आपको कोई कहता नहीं है कि आप ये कोर्सेज ले लें. आपको एक हैंडबुक दी जाती है, उस हैंडबुक में एक आइडियल उन्होंने पाथवे दिया होता है. इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो दैट, फॉलो दैट. इफ़ यू डोंट, यू कैन चूज योर ऑन कोर्सेज. मैं आप कस्टमाइज कर सकते हैं एज यू लाइक. तो वहाँ पे और भी कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे या यू वर द ओनली वन? मेरे साथ 3 और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे. 3 और थे. तो पहले दिन उनसे मतलब आपकी दोस्ती हो गई वहाँ पे? जी हाँ, क्योंकि हम लोगों का फूड का प्रॉब्लम था. तो वो लोग क्योंकि मुझसे पहले पहुँच चुके थे, तो उन्होंने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट करके एक और जगह पे डोमिट्री ले ली थी, हॉस्टल ले लिया था, जहाँ पे किचन था हमारे पास. तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू लिव टुगेदर. और आप खुद ही कुक करते थे सब कुछ? मुझे तो बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी, तो उनको भी नहीं आती थी. तो फिर पकाता जो लेकिन जो जो वो कहते हैं ना कि जो आप सब में बेहतर होता है, जो हम में थोड़ा सा बेहतर था, बस वो हमारे लिए खाना बनाता था. ठीक है, हम कोशिश करते थे उसको खाने की. वहाँ पे जो एडमिशन था वो किस फील्ड में आपने लिया उस यूनिवर्सिटी में? ये भी एक बड़ी फनी सी स्टोरी है, क्योंकि यू नो कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ मेरे मेरिट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नाम नहीं आया था. ठीक है, तो पाकिस्तान में हमारे पास दो ही फील्ड्स हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, और दूसरी साइड पे जाएं तो डॉक्टर है हमारे पास. तो मैं चाहता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूँ, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ. तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने साउथ कोरिया के अंदर जो फील्ड चूज़ की थी वो थी थर्मो फ्लूइड एंड पावर इंजीनियरिंग. ठीक है. और लाइक ऑलवेज, जिस तरह पहले मेरे साथ 2 बार हो चुका था, आई रियलाइज कि तो मेरे लिए नहीं. देन आई वेंट, पर वहाँ पे एक ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे हर स्टूडेंट के पास एक सुपरवाइज़र होता है. ठीक है, वहाँ का प्रोफेसर. तो आप जाते हैं, आप उस प्रोफेसर से बात करते हैं, उससे करियर गाइड लेते हैं. तो आई वेंट टू हिम एंड आई टोल्ड हिम कि जी मुझे तो समझ नहीं आ रही है जो आपकी ये फील्ड है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे वो नहीं है. तो ही आस्क्ड मी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं तो पहले रिसर्च नहीं की फील्ड, मतलब एडमिशन. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इतना मगन था इस चीज़ के अंदर कि मैं किसी तरह किसी और कंट्री चला जाऊँ, बस पाकिस्तान से बाहर जाऊँ. लेकिन मैंने ये फोकस ही नहीं किया कि मेरी यूनिवर्सिटी में कौन सी चीज़ अच्छी है या मेरी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी फील्ड्स के आ रही है, जो कि मैं समझता हूँ गलत था, लेकिन था ऐसा ही. तो सुपरवाइजर के पास गया, उनको बताया, तो उन्होंने बोला आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी बैचलर्स डिग्री के साथ? मैंने कहा सर मुझे कोई ऐसी फील्ड चूज़ करनी है जिसमें मैं कुछ बना सकूँ. I want to really work with my hands and create products or create objects that are functional, or I can prototype them. Or on the other hand, आप जो मुझे पढ़ा रहे हो तो सारी books हैं, उसमें हम सिर्फ theory, हाँ theory पढ़ रहे हैं, system designs पढ़ रहे हैं हम लोग, different equations solve कर रहे हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे एक school है हमारी university में जिसमें मैं पढ़ता था, उसका नाम था design and human engineering. तो आप की मैंने appointment set कर दी वहाँ के HOD के साथ, आप जाएं और उनसे मिलें. मैं गया उनसे मिलने के लिए. शी वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड और शी वॉज वर्किंग फॉर सैमसंग ऑल्सो एट दैट टाइम. सैमसंग के जो प्रोडक्ट डिवीजन है ना, फ्रिजेस और सारी जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, वाइट प्रोडक्ट्स जी, उन पे काम कर रही थी वो. तो शी मेट मी, शी वॉज वेरी नाइस.
उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में समझाया, उसके बाद उन्होंने मुझे टूर दिया अपने स्टूडेंट्स का. एट द कहते हैं ना वो, एक बस आपको पता चल जाता है, क्लिक कर जाता है, क्लिक कर जाता है. वो उस वक्त मुझे क्लिक कर गया वो चीज़ के यार यही तो मैं ढूंढ रहा था, जिसमें डिज़ाइन भी है, जिसमें आर्ट भी है, और इसमें इंजीनियरिंग भी है, और आप अपनी जो प्रोडक्ट्स सोच रहे हैं वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं, आप प्रोटोटाइप कर रहे हैं, और वो आपके सामने बन रही है, आपके सामने फंक्शनल है. तो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट जहाँ मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और डिज़ाइन की तरफ चला गया. तो आपने स्विच कर दी अपनी फील्ड. जी मैंने तो स्विच किया. एक पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो हम बहुत मुश्किल से स्विच कर सकते हैं किसी पे. फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकेनिकल में एडमिशन लिया और इलेक्ट्रिकल का आपके पास मेरिट नहीं है तो आप नहीं आप बनना भी चाहें तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बन सकते. बाहर आप गए, आपने एक फील्ड चूज़ की, आपको नहीं पसंद आया, आपने स्विच कर दिया, तो वो कितना आसान था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में? या आप उस चीज़ को क्या समझते हैं कि क्या स्पेसिफिक फील्ड्स में मेरिट हो तभी आप मतलब वो काम कर सकते हैं? या वहाँ पे इस तरह की मेरिट नहीं है, मतलब आप वंस यू गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी उसके बाद यू आर फ्री टू चूज योर ओन फील्ड. तो इज इट अ गुड थिंग? आई थिंक इट्स अ परफेक्ट थिंग, ऐसा ही होना चाहिए. आपको मजबूर नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसी चीज पढ़ाई जाए जो आप नहीं पढ़ना चाहते. लेकिन एक चीज यहाँ पे मद्देनजर रखनी है, पॉपुलेशन बड़ी डिफरेंट है. हमारी पॉपुलेशन उनसे बहुत ज्यादा है और हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत कम है. वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. तो ये एक उनको एडवांटेज है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, कि वो हर बच्चे को अलाउ करें कि जिस फील्ड में जाना चाहे वो चला. लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, हमें यहाँ पे अलाउड नहीं है. अलाउड क्या, जब तक आपका मेरिट नहीं आता आप किसी भी अपनी पसंद की फील्ड में नहीं जा सकते. तो जब तक आप अपनी पसंद की फील्ड में नहीं जा सकते आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इट बिकम्स अ जॉब फॉर यू मोर देन हॉबी. क्योंकि आपको कोई चीज़ पसंद है, जिस तरह लेट्स सपोज आपने जिस फील्ड को चूज़ किया, यू लाइक इट, दैट्स व्हाई यू चोज इट, तो उसको आप उसमें आप अपना फुल पोटेंशियल दे सकते हैं, उसको आप काम समझ के नहीं करते हैं. तो पाकिस्तान के अंदर हम इस ट्रेंड को क्यों नहीं चेंज कर सकते? देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूँ, जब आप एक चीज़ को दूसरे एंगल से देख रहे होते हैं, जब आप उसमें नहीं होते, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक स्टूडेंट के पेरेंट हैं या आप एक नॉर्मल इंसान है जिसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं रहा हो, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से, तो आपको यही लगता है कि जी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप बच्चों को मौका नहीं दे रहे कि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उस चीज़ का उनको मौका नहीं दे रहे, इससे वो उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो नहीं है और वो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा. लेकिन जब आप एक बार यूनिवर्सिटी सेटअप में आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के देख लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ है ये अवेलेबल रिसोर्सेज और हमारी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और जो हमारे पास फंडिंग मौजूद है उसमें रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर स्टूडेंट को ये लिबर्टी दें कि वो अपनी फील्ड खुद चूज़ कर सके, क्योंकि हमारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन कंपेयरिंग टू साउथ कोरिया. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो मेरी यूनिवर्सिटी की फंडिंग थी और एक और यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो रफली मैं अगर आपको बताऊं तो उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की जो फंडिंग थी और पाकिस्तान के पूरे एजुकेशन का जो बजट था वो सेम था. तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे दो यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग और एक पूरे मुल्क की एजुकेशन, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन भी है, जिसमें आपकी 9 मैट्रिक वाले बच्चे भी हैं, जिसमें सब जितनी भी एजुकेशन की आपके इंस्टीट्यूशन है वो सब, तो उसमें रहते हुए आप जो बेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान में ये भी तो है ना कि हम सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमें पता है कि मेरिट इज वन ऑफ द टॉप, लेकिन उसके अलावा भी तो डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं. अब हर यूनिवर्सिटी, लेट्स सपोज अगर देयर आर प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एज वेल, बट दे आर ऑल ऑफरिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज द फर्स्ट प्रेफरेंस. ठीक है, उनकी कोशिश यही होती है कि मैकेनिकल, क्योंकि everyone wants to be a mechanical or an electrical engineer or civil engineer, lekin the point is ki agar har koi electrical aur mechanical mein chala jayega ya har koi doctor ban jayega to us field ki jo saturation hai wo itni zyada ho jayegi ki aapke paas job opportunities nahi hongi us cheez ko fill karne ke liye. jis tarah koi bhi cheez hai agar uski demand ke sath hai na, theek hai, agar demand kam hogi aur log zyada honge, theek hai, to automatically aap बेरोजगारी बढ़ जाएगी. बिल्कुल. फिर आप नई फील्ड्स
की तरफ जाना शुरू करें, तो हम शुरू से इस चीज़ को मेंटेन क्यों नहीं कर सकते? देखें, इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। अभी भी अगर आप देखें, काफ़ी चेंज आ रहा है, लेकिन अभी भी जो आई वुड से एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन का जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है उसका हिस्सा जो है उसके लिए उसके जो डिसीजंस हैं वो उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स के जो कॉन्शियस के अंदर एक चीज़ जो बैठी हुई है वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। जिसमें अगर आप डॉक्टर बन जाएँ या आप इंजीनियर बन जाओ, और इंजीनियर भी कौन से, जो मैकेनिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो ही आप सफल हैं, तो ही आप समझे जाएंगे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, वरना आपको वो माशरे में इज्जत नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का भी है। और मैं यही कहूँगा जो आपने बात की डिमांड एंड सप्लाई की, कि आप यूनिवर्सिटीज़ वही ऑफ़र करेंगी जो बच्चों को चाहिए, और हमारे अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो ये सोच नहीं रही कि हर साल पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियरिंग करा रही हैं, और ख़ासतौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा रही हैं। अब किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसमें रिसोर्सेज और कम हो, वो नस्ट का मुकाबला नहीं कर सकती, नस्ट के ग्रेजुएट का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अगर आपकी पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री नस्ट के ग्रेजुएट से पूरी हो गई है, तो बाकी जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो मोस्ट लाइकली बेरोजगार ही होंगे या वो इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। जी अच्छा, कमिंग बैक टू द मेन डिग्री यू डिड, तो वहाँ पे जब आपने डिग्री स्टार्ट की तो उसके अंदर क्या क्या आपने किया? थर्मोफ्लूइड एंड पावर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं आप? नहीं, आफ्टर जब आपने डिजाइन डिग्री को स्टार्ट किया तो अच्छा, हमारा डुअल डिग्री प्रोग्राम था। ओके, तो मेरी जो दूसरी डिग्री थी वो मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस में थी, और वो मैंने चेंज नहीं की, वो मैंने वही। तो आपने एट अ टाइम डुअल डिग्री वहां से की? हां जी, मैंने डुअल डिग्री की है। तो हमारा जो करिकुलम था वो स्टार्ट होता था डिजाइन थिंकिंग से और डिजाइन एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है पाकिस्तानी सिस्टम से। तो वहाँ पे दो हमारे स्टूडियोज होते थे, मैं बता दूँ, शायद आपके व्यूअर्स को ना बताओ, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में या डिज़ाइन में इन जनरल हमारी जो मोड ऑफ एजुकेशन होती है वो स्टूडियोज के थ्रू होती है। तो स्टूडियो इज़ अ क्लास रूम, बट अ क्लास रूम वेयर यू डोंट ओनली यू नो सिर्फ आप किताबें नहीं पढ़ते, सिर्फ लेक्चर नहीं लेते, बल्कि आप वहाँ कन्वेंशनल क्लास रूम नहीं होता वो, उसको वो एक कन्वेंशनल क्लास रूम से काफ़ी बड़ा होता है, और उसके अंदर वो सारी फैसिलिटी होती है एक स्टूडेंट को कि वो वहाँ पे मेकिंग भी कर सके, वो वहाँ पे स्केचिंग भी कर सके, वो वहाँ पे मॉडलिंग भी कर सके। तो मेरा पहला स्टूडियो डिज़ाइन थिंकिंग का था, और दूसरा स्टूडियो जो था मेरा एक फर्स्ट सेमेस्टर में वो डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स का। तो कितने कितने ईयर्स में आपने अपनी डिग्री कम्प्लीट की वहाँ पे? 4 ईयर्स, 4 ईयर प्रोग्राम था। तो जब आपने अपनी डिग्री वहाँ से कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद वहीं पे कोरिया में आपने व्हेन आई वाज जूनियर मतलब थर्ड ईयर में जब मैं था, तो आई वाज वर्किंग फॉर SWBK, एक डिज़ाइन फर्म है। प्रोफेशनल करियर आपने थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया वहाँ पे? दे हेल्प यू आउट, द यूनिवर्सिटी हेल्प्स यू आउट कि आपको वो जॉब्स लैंड करवा सके। तो मैं समर्स में SWBK के साथ काम करता था, फिर उसके बाद मैं ड्यूरिंग द सेमेस्टर आई वाज वर्किंग विद माय प्रोफेसर इन हिज लैब एज अ रिसर्च असिस्टेंट, और बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर मेरे पास एक पब्लिकेशन भी थी। और जब मैंने ग्रेजुएट किया तो राइट आफ्टर दैट आई जॉइंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आई वाज वर्किंग विद प्रोफेसर वन ऑफ माय प्रोफेसर जिनका प्रोजेक्ट मिला हुआ था सैमसंग की तरफ से वेरेबल का, जो उनका सेक्शन था वो हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे। तो आई वाज लकी इनफ कि मैं उन प्रोफेसर के साथ लैब में अटैच था, तो वी वर्कड ऑन द सैमसंग गियर S2 जो उस वक्त आई थी, K2 जो वॉच थी उनकी, तो उसमें मैं शामिल था। जी, तो वहाँ से मतलब वहाँ पे आप जॉब कर रहे थे ऑब्वियसली कोरिया के अंदर और सैमसंग के अंदर जॉब कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों की ड्रीम होगी कि वो सैमसंग के साथ काम करें, तो पाकिस्तान क्यों वापस आ गए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब 5 साल मेरे वहाँ गुजर गए थे, तो आई रियलाइज्ड कि हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और कोई इसमें मैं नहीं समझता कि किसी की प्रायोरिटी सही या गलत होती हैं, बस वो उस इंसान की प्रायोरिटी होती हैं। सो आई स्टार्टेड मिसिंग माई पेरेंट्स, एंड जब आप अपने वालदैन को छोड़ के जाते हैं, तो स्पेशली जब मेरी एज में जब मैंने छोड़ा उनको, जब मैं कोरिया गया, तो मैं आता था शुरू में, हर साल में 2 बार आता था, फिर वो 1 साल में 1 बार हो गया, फिर लास्ट 3 ईयर्स में मैं नहीं आया, क्योंकि आई वॉज सो मच बिजी इन डूइंग सो मैनी थिंग्स। मैं लैब में भी काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन स्टूडियोज, आई वॉज डूइंग एवरी थिंग दैट आई कैन। मैं वहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा था, जितना एक
अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने सब की सब अवेल की, ट्रैवलिंग भी मैंने बहुत की, तो वो मैं 3 साल नहीं आया। और मैंने अपने वालदैन को, कहते हैं ना, बूढ़ा होते हुए देखा, तो वो एक चीज़ मुझे मुझे उसने हिट किया कि यार मतलब ठीक है, मतलब मैंने अच्छा टाइम यहाँ पे गुजार लिया है, पर मुझे अपने वालदैन के साथ भी कुछ टाइम गुजारना चाहिए। और मैं नहीं चाहता था कि मैं वो टाइम गुजारूँ जिसमें मैं भी और बिजी हूँ। सो आई वॉज यंग, आई वॉज 24, 25 व्हेन आई केम बैक, तो दैट्स द मेन रीज़न कि मैं वापस आना चाहता था। एंड द सेकेंड रीज़न, समवेयर इन मी आई रियली वॉन्टेड टू गिव बैक ऑल्सो, तो दैट वॉज वन रीज़न। आई न्यू कि मैं जब वापस आऊँगा, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बताया कि जो आप अभी जॉब पैकेज अभी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके करीब करीब भी नहीं होंगे, आप सोचिए कभी। मेरा अगला क्वेश्चन यही है, तो मतलब सैमसंग से जब आपने जॉब छोड़ी और पाकिस्तान वापस आ गए, आपका रीज़न तो बहुत वैलिड है और ऑब्वियसली इट हिट्स एवरीबडी कि माँ बाप बहुत ज़रूरी होते हैं, उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है जब इतना अरसा आप उनके उनसे अलहदा रहते हैं, उनका प्यार मोहब्बत शफकत वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। जब पाकिस्तान में वापस आए तो यहाँ पे पहली जॉब किस तरह से की, जो द फर्स्ट जॉब, वो जो अप्लाई करना था और पहली जॉब को सिक्योर करना था, वो क्या एक्सपीरियंस था, क्या हुआ, किस तरह से मिली पहली जॉब, कितने की, क्या पे पैकेज था? अच्छा, मैं, मेरे लिए वापस आना बड़ा शॉकिंग था। जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मेरी फैमिली मूव हो चुकी थी कराची, तो देट वॉज समथिंग न्यू। फिर एक हनीमून पीरियड होता है, आप वापस आते हैं, सब आपको ना, आप खाने खाते हैं और आप बच्चा बाहर से आए हैं और सब रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो वो एक पीरियड चला। और इसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, जो भी अवेलेबल जॉब्स थी। तो पहले तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की, उस वक्त मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, 2015-16 की बात, उस वक्त इस तरह की कोई जॉब थी नहीं मार्केट के अंदर। तो आई यूज टू अप्लाई टू एवरी जॉब दैट आई थिंक कि मैं कर सकता हूँ। और मैं कहूँगा मेरे फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर मैंने शायद मोर देन 60 इंटरव्यूज दिए, 60 इंटरव्यूज मैंने दिए एक महीने के अंदर। मैं फर्स्ट 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, मतलब हर ऑन एवरेज हर महीने मैं 10 से 12 इंटरव्यूज दे रहा था। हर जगह जाके मुझे या तो कॉल बैक नहीं आती थी, जब शुरू में कॉल बैक नहीं आई तो मैंने अगले इंटरव्यूज में कहना शुरू कर दिया कि इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू कॉल मी, मुझे काइंडली अभी बता दें। तो आई यूज टू हेयर कि हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम आप, या यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स, जो उस वक्त एक बूम आया हुआ था, तो स्टार्टअप्स में मैंने अप्लाई किया। इट वाज बैक इन व्हिच ईयर, 2015-16। ओके, तो मैंने स्टार्टअप्स में अप्लाई किया, तो दे वर पेइंग टू लो, वो मेरे ऑब्वियसली दे वर स्टार्टअप्स, तो डिडंट हैव द बजट। ये चीज आपको बताता हूं, थोड़ा डिफरेंट है इन वेस्ट और ये इन साउथ कोरिया और वेस्टर्न कंट्रीज, स्टार्टअप्स पे मोर, स्टार्टअप्स जो होते हैं वो ज्यादा पे करते हैं आपको नॉर्मल कंपनी से। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि क्योंकि उनका फ्यूचर उस तरह से सिक्योर नहीं होता वहां पे स्टार्टअप्स का, के वेदर द स्टार्टअप विल वर्क और नॉट। यस, तो आप एक तरह से एक बड़ा नाम गिव अप कर रहे होते हैं एक छोटे नाम के लिए, तो यू गेट पेड मोर। तो यहां पे वो बहुत ऐसी सैलरी मुझे ऑफर कर रहे थे उस वक्त जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन देन वन ऑफ माय फादर्स कजन, उनकी एक कंपनी थी, फॉर द टाइम बीइंग आई जॉइंड दैट। उसमें मेरा काम कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रिलेटेड नहीं था, इट वाज मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन डिज़ाइन जॉब। उसमें मैं आई यूज टू ड्रॉ मशीन ड्राइंग्स या वो लेआउट्स फॉर द मशीन्स दैट दे यूज टू इंपोर्ट फॉर वापडा, और तो वो मैं इनिशियली मैंने वो काम किया। और फिर एक दिन आई वॉज फीलिंग वेरी लो, लाइक लिटरली आई वॉज फीलिंग लो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। वो एक फीलिंग आती है हर कुछ अरसे बाद इंसान को कि वो अपने करियर में क्या कर रहा है। देखिए, आप मतलब एक एज का भी फैक्टर होता है ना, आप जब थोड़े यंग होते हैं तो आप ज़्यादा ईगर होते हैं, आप ज़्यादा हंग्री होते हैं, तो वो मेरी एज, तो आई वॉज फीलिंग वेरी लो दैट डे। आई स्टिल रिमेंबर, आई केम बैक होम फ्रॉम जिम, और उस दिन वालिद साहब से भी थोड़ी सी होता है ना, वालिद साहब कभी कभी माँ बाप कुछ कह देते हैं, तो उस दिन ज़्यादा मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया वो। तो मैं जाते था इतना लैपटॉप खोला और उसमें मैंने देखा, पता नहीं मुझे अल्लाह ताला ने शायद दिमाग में डाल दिया, देखा यहाँ पे कौन से ऐसे स्कूल्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ऑफर करती हैं। तो आई जस्ट रोट ऑन गूगल की जी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन स्कूल्स इन पाकिस्तान,
तो उसमें सबसे पहले नाम आया, पाकिस्तान में तो इंडस्ट्रियल डिजाइन थी नहीं, हम इस पे भी आएंगे लेकिन तो उसमें सबसे पहले नाम आया जी नास्ट का, सेकंड नाम आया यूईटी लाहौर का प्रोडक्ट डिजाइन स्कूल एनसीए, और एक यूनिवर्सिटी और गुजरात, हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का नाम आया। मैंने इन चारों जगह पे अप्लाई कर दिया। सबसे पहला मुझे जो जो मुझे कहें कि रिप्लाई आया वो यूईटी से आया कि जी आप उनका कोई मुझे नहीं, क्योंकि मैं कभी पाकिस्तान में जॉब की नहीं थी तो मुझे नहीं पता था कि सरकारी तरीका होता है कोई वो स्टाम्प लेना होता है वो पाँच सौ रुपये का 50 रुपये का, वो फिर वो ऐड आता है तो मैं तो उनकी प्रोसेस सुन के मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है मतलब किसी प्रोफेसर को हायर करने का कि आप, या किसी लेक्चरर को हायर करने का कि मतलब आप पहले ऐड देंगे और फिर मैं अप्लाई कर, मतलब मैंने अपनी सीवी दे दी है जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैंने अपना पोर्टफोलियो भी भेज दिया था। इस चीज़ में मैं कहूँगा कि नस्ट ने सारे पाकिस्तान में, मैं कम अज़ कम कि पाकिस्तानी जो कन्वेंशनल मैकेनिज़म्स हैं उनको उन्होंने बहुत इवॉल्व कर दिए। नस्ट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, नस्ट के अंदर मैंने जब सीवी भेजी मुझे डायरेक्ट उस स्कूल से, स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर की जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है उनका फ़ोन आ गया कि जी वी सॉ योर सीवी एंड वी आर इंटरेस्टेड, और हालांकि सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था वो पूरा उन्होंने प्रोसेस रन किया, और मुझे याद है आज भी कि आपकी क्लास थी आई थिंक। बाय द वे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं भी शाज़ीब राव का स्टूडेंट हूं, ये मेरे फाइनल ईयर थीसिस के अंदर प्रोफेसर थे और इन्होंने मुझे मेरे थीसिस में भी गाइड किया था। तो नस्ट में जब आया तो इंटरव्यू देने के लिए तो मेरी तो मैंने पता नहीं था नस्ट के बारे में, इस्लामाबाद में जो H12 कैंपस, मुझे वैसे नस्ट के बारे में पता था लेकिन H12 कैंपस को मैंने देखा हुआ नहीं था। तो मैंने कैंपस देखा यार कि कोरिया के करीब करीब है कुछ, मतलब कुछ है। हाँ, उसके बाद सिस्टम्स तो थे, मतलब हाउ दे डील विद यू, सो इट वाज वेरी प्रोफेशनल। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटीज जा रहा था सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर, लेकिन मैं इस्लामाबाद नहीं आया था। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी देखी, इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्राम अदर यूनिवर्सिटीज, मतलब मैं समझता हूँ कि माहौल यहाँ पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता है लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है ना, जो सिस्टम्स हैं वो बनाना एक चैलेंजिंग चीज़ है पाकिस्तान के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप पैसे ले लें गवर्नमेंट, आई थिंक सरकारी यूनिवर्सिटीज के पास सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन आप उन पैसों को यूटिलाइज कैसे करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि नस्ट के पास जो एक अच्छी चीज़ है, खासतौर पर मैं एज फैकल्टी जो मैं बता सकता हूँ आपको, मुझे कि जी इनके जो सिस्टम्स हैं ना, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि देयर वॉज अ प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आप आए और आपको एक वहाँ पे गाइड करने के लिए लोग मौजूद हैं, कोई रेड टेप वो नहीं है कि जी पहले आप ऐड देखें और उस ऐड में अप्लाई करें और फिर आप आपको उसमें पता नहीं वो स्टाम्प कहते हैं उसको, टिकट कहते हैं पता नहीं क्या, वो 50 रुपये का लगाएं और फिर आप वो पोस्ट करें, कोई चक्कर नहीं, आपने ईमेल की सीवी उनको जी स्कूल को समझ, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही था, सारा प्रोसेस ऑनलाइन था। एंड देन दे कॉल्ड मी एंड आई इट वाज आई थिंक 19th ऑफ सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 या 19th का मुझे कुछ याद पड़ रहा है, 2016। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू वाज वेरी रिग्रस, इट लास्ट फॉर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 45 टू 50 मिनट्स का इंटरव्यू था मेरा, और उसके अंदर पूरा बोर्ड बैठा था एंड आई वाज एक्चुअली यू नो लिटिल नर्वस because they were like you know really senior people sitting there or when a lot of senior people are sitting in front of you and you're the only one giving the interview, I was very young. Aur ek aur cheez main aapko ke they didn't look at my age, they didn't look at my face, they didn't look at how I was looking. You applied for the lecture? Actually I just applied. Okay, I didn't have any idea because South Korea mein lecturer ki position nahi hoti wahan pe starting, so I was expecting ke ji koi रिसर्चर की जॉब होगी, कोई एसोसिएट रिसर्चर या फिर रिसर्चर या कोई इस तरह की चीज़ होगी। सो आई अप्लाइड फॉर दैट एंड देन बिकॉज मैं साउथ कोरिया के अंदर टीचिंग असिस्टेंट भी रहा था, तो मेरी एक टीचिंग का सेकेंड ईयर के साथ, सेकेंड ईयर से तो मेरा एक एक्सपीरियंस था उसके अंदर। सो दे टुक माई इंटरव्यू, इट वॉज लास्ट, इट लास्टेड फॉर 45 मिनट्स, और सारे वहाँ पे बड़े मतलब ग्रे हेयर लोग थे और वो दे वर आस्किंग वेरी टफ क्वेश्चंस, बट अल्हम्दुलिल्लाह और इट वाज अ टफ इंटरव्यू, इट वाज अ टफ इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो आई वाज, मैं जब नस्ट में एंटर हुआ था तो आई वाज लाइक मैंने तो यहीं जॉब करनी है, तो आई वाज लाइक कि मैं तो आज से ही जॉब कर सकता हूँ, हालांकि मैं अपने सामान नहीं लेकर आया था साथ कराची से, तो दे वर लाइक कि मैंने कहा मैं तो आज से ज्वाइन कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाएँ साडा स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, मैं चला गया। एंड देन यू रिमेंबर आई
met you your class for the first time. Yeah, अच्छा तो जब नर्स में आपने जॉब स्टार्ट की एज एन लेक्चरर, तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की फील्ड में आपने एज एन लेक्चरर जॉब की. अभी तक हमने व्यूअर्स को ये नहीं बताया व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन अबाउट, विच इज़ द मेन टॉपिक एंड मेन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है, क्योंकि इट्स अ टोटली डिफरेंट फील्ड इन पाकिस्तान विच इज़ न्यू एज वेल, क्योंकि और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स ऐसे हैं जो कि इस फील्ड को ऑफर कर रहे हैं. तो आप हमें ये बताएंगे कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इट्सेल्फ क्या है, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर. ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ, स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर लास्ट में दो फील्ड्स हैं जो हम ऑफर करते हैं. और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम डिज़ाइन एजुकेशन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री हैं, और वर्ल्ड में भी हमारी स्टैंडिंग बहुत अच्छी है. हमारा प्रोग्राम जो है, दोनों प्रोग्राम्स वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर है. तो हमारे पास दो प्रोग्राम्स हैं, एक आर्किटेक्चर का जो हम सब जानते हैं व्हाट आर्किटेक्चर इज, दूसरा जो हमारा नया प्रोग्राम है वो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का प्रोग्राम. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर जो होता है वो ब्रिज होता है बिटवीन इंजीनियरिंग टीम एंड डिज़ाइन, प्योर आर्ट जो होता है. मतलब इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वो काम, वो चीज़ें बनाते हैं जो देखने में खूबसूरत तो होती हैं लेकिन वो फंक्शनल भी होती हैं. ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक इंजीनियरिंग माइंडसेट के साथ आपने चीज़ बना दी जो कि फंक्शनल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है, या वो देखने में एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है. तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर का काम ये है कि फंक्शनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप एक ऐसी चीज़ बनाएं, चाहे वो डिजिटल हो, मतलब टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, मतलब वो एक ऐप भी हो सकती है, वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकती है जैसा आपका फ़ोन है. ऐसा फ़ोन बनाएं या ऐसी ऐप बनाएं जो सिर्फ यूजेबल ना हो बल्कि वो एक प्लीजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, एक एर्गोनॉमिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे टू द यूज़र. ओके, तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का क्या स्कोप है, क्योंकि मतलब इट्स अ न्यू फील्ड और लोग बहुत कम हैं जो नॉलेज रखते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में. और इससे पहले एक और क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर और इंडस्ट्रियल इंजीनियर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आई एम आल्सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर ना. तो बहुत से लोग हैं, जब मैं बताता हूँ कि मैं एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हूँ तो वो समझते हैं कि मैं इंडस्ट्रीज डिज़ाइन करता हूँ. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री किस तरह से डिफरेंट है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही मैं कहूँगा साउथ और नॉर्थ और साउथ है, मतलब बिल्कुल अपोजिट्स है. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग सिस्टम्स फॉर इंडस्ट्रीज और डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रीज इटसेल्फ, या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उन प्रोसेसेस के बारे में. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, बट कुछ इस जगह पर रहता है. ऑन द अदर हैंड, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज़ अबाउट designing products that are mass produced products, not the industry which are jo products ko manufacture kar rahi hai. End product ke baare mein, end product ki baat kar rahe hain, aur wo bhi wo product on ornaments nahi, wo bhi wo products jo ki mass produce hongi aur wo mass class use karegi aapki, matlab aapki ek certain population use karegi. Jaise aapne for example ek phone banaya, wo aapne ek nahi banana, aapne usko mass produce karna hai. To aisi koi bhi product jo mass produce ho, टेंजिबल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वो जो मास प्रोड्यूस हो, वो उसका डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन करना एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर का, एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर का. आई मीन वी कैन से कि डिज़ाइनिंग ऑफ एवरी माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, चाहे वो किसी भी कैटेगरी या किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है. अगर मैं सादा उर्दू जुबान में कहूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी अगर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट है, वो एक पानी की बॉटल भी हो सकती है, या वो एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या वो एक LED TV है, या वो कोई भी ऐसा पैकेजिंग डिज़ाइन, गाड़ी की सीट हो सकती है, आपके घर की चेयर हो सकती है, आपके घर का फर्नीचर, तो जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर डिज़ाइन कर सकता है. जी, तो इट ब्रिंग्स टू माई सेकेंड क्वेश्चन, कि क्या इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर को सारी टेक्निकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज के इफ़ आई डिवेलप एन ऐप, इट्स एन कॉन्सेप्ट, Maybe I'm designing an experience. तो क्या ये ज़रूरी है कि मुझे उसका टेक्निकल बैकग्राउंड भी पता हो, या वो कोडिंग का मुझे पता होना ज़रूरी है या नहीं है, या वी कैन कोलैबोरेट विद डिफरेंट पीपल टू मेक इट? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज़ अबाउट कोलैबोरेशन. इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर अकेला कभी भी काम करता ही नहीं. ठीक है, आप करीम राशिद की एग्जाम्पल ले लें,
करीम राशिद इज वन ऑफ द वेरी फेमस इंडस्ट्रियल डिजाइनर, लेकिन उसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, वो एक आर्ट बैकग्राउंड का इंडस्ट्रियल डिजाइनर है, बट ही अंडरस्टैंड्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको हर चीज़ हर उसको हर टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, या उसको पूरी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता है, या उसको सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में पता है, लेकिन उसको जितना उसको ज़रूरी है एज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर पता होना कि जी अगर मैंने कोई चीज़ बनानी है तो उसने मैन्युफैक्चर भी होना है, तो उतनी नॉलेज होना ज़रूरी है. लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग सिस्टम डिज़ाइन आता हो या आपको सॉलिड मैकेनिक्स की बहुत अच्छी या आपको कोडिंग आती हो या कोडिंग आती हो. अगर आपको बेसिक नॉलेज है आपकी कोडिंग का, दैट इज़ अ प्लस. लेकिन अगर आपको इट कैन हेल्प यू डिजाइन, ऑफ कोर्स हेल्प यू, आपको आपको इट विल बी इजीयर फॉर यू टू कम्युनिकेट विद द योर कोडर के जी आपने जो ऐप बनानी है उसके जो आपने फीचर्स डिजाइन किए हैं वो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे या वो इंप्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते. तो बहुत से, क्योंकि पाकिस्तान में भी विद इन पाकिस्तान बहुत से इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि किस तरह से बनेगा. तो ये सवाल उनके लिए था बेसिकली, क्योंकि वी नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग ना. इफ़ आई एम डिज़ाइनिंग समथिंग आई नीड टू नो कि उसको मैंने इंप्लीमेंट किस तरह करना है. मैं हवा में कोई चीज़ नहीं बना सकता. इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ एक समझने की, कि वो आपको ना एज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर आपको पता होना चाहिए ऑप्टिमम सोल्यूशन किधर है. आइडियल सोल्यूशन, ऑप्टिमम सोल्यूशन. जैसे मैं हर दफ़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, कि आपको एक क्लाइंट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो आपको हायर करती है कि जी हमारी एक हमारा एक हॉस्पिटल है पेम्स, उसके लिए आप एक बेड डिज़ाइन कर दें जो बहुत अर्गोनॉमिक हो और उसमें ये भी फंक्शंस हों. अब अगर आप एक एक, एक आप एक डिज़ाइनर और एक एक और डिज़ाइनर और आप दोनों डिज़ाइन करते हैं, आपने एक टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस और आइडियल बेड डिज़ाइन कर दिया हॉस्पिटल के लिए. ऑन दी अदर एंड जो दूसरा डिज़ाइनर था उसने एक ऑप्टिमम सोल्यूशन जो कि मे बी आइडियल सोल्यूशन और वर्स्ट सोल्यूशन के बीच में कहीं लाई करता था, वो डिज़ाइन कर दिया. लेकिन जब आप हुकूमत पाकिस्तान के पास गए और आपने बताया कि जी मेरा जो बेड मैंने डिज़ाइन किया वो है तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो है जी 70 लाख रुपये का एक, तो वो आइडियल सोल्यूशन किसी काम का नहीं है. आपने कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर डिजाइन फॉर द यूजर, यस, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, आपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो आपके पास अवेलेबल है उसको देखते हुए उसको जब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है. जब आपको टेक्नोलॉजी का ही नहीं पता होगा कि आपके मुल्क में जी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है और आप कोई चीज डिजाइन कर देंगे तो वो बन ही नहीं सकती होगी, तो वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही रह जाएगा. दिस ब्रिंग्स टू मी एन अदर क्वेश्चन. डिजाइन के अंदर हमारे पास दो चीज़ होते हैं, एस्थेटिक्स एंड फंक्शनैलिटी. जब हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या किसी भी डिज़ाइन की बात करें, हमारे पास एक फैक्टर होता है एस्थेटिक्स, के वो चीज़ कितनी प्यारी है या उसकी ब्यूटिफिकेशन कितनी है, कितने अच्छे एस्थेटिक्स हैं, या दूसरा उसकी फंक्शनैलिटी कितनी अच्छी है. अब क्वेश्चन मेरा ये है कि एस्थेटिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फंक्शनैलिटी. अब ये दो स्कूल ऑफ थाट्स की आपने बात की, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं, मेनली दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं. एक थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और एक थोड़े आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं. फॉर आर्ट बैकग्राउंड पीपल एस्थेटिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट एज यू नो आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड जहाँ पे हमारे इंजीनियरिंग फोकस भी था हमारा जो प्रोग्राम था. तो फॉर मी अगर आप मुझे कुछ डिज़ाइन करने के लिए देंगे तो फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी द फंक्शनैलिटी. Functionality for me comes first, then aesthetics. So don't you think we should have the balance of both? Because if we design aesthetics or functionality, if something is very functional but it's not beautiful. So back when I was studying, there was a project, they were making an automatic robot which was making food himself. It was functional, it was very functional. But the experience was not good. The experience was not good. Because उसके aesthetics नहीं थे. तो aesthetics plays a important role के जब मतलब अगर let's suppose अगर मैं Samsung की बात करूँ, Samsung हर दफा कभी curved screen देगा, कभी अच्छा camera देगा, कभी finishes change करेगा. It doesn't play a very vital role in the functionality of the product, but it is more related to the aesthetics. But they still work on it. लेकिन वो फंक्शनैलिटी के ऊपर भी साथ साथ काम करते हैं. अब सैमसंग ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हम सिर्फ फंक्शनल प्रोडक्ट देंगे, वी डोंट केयर अबाउट द एस्थेटिक्स. तो वो बैलेंस कहाँ है? आई थिंक यू आर 100% राइट कि जो फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक्स का बैलेंस है वही ऑप्टिमम डिज़ाइन है.
तो मैं ये समझता हूँ कि यूटिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट और यूटिलिटी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको एक क्लाइंट हूँ और मैं कहता हूँ कि आपको कि जी मुझे आई कैन अफोर्ड अ 400,000 रुपीज़ फ़ोन, मैं वैसे 200 कहने वाला था लेकिन आई जस्ट रियलाइज के फ़ोन्स महंगे हो गए, तो 400,000 रुपीज़ का मैं फ़ोन अफोर्ड कर सकता हूँ, देन लेकिन देन फोन्स तो अब इससे भी महंगे हैं, इससे भी उसका महंगे, बात चलिए अच्छा दिखते इससे भी महंगे मुझे, मैं आई वॉज एट 400,000, चलें आपने मुझे अपडेट कर दिया। तो अब जब आप एक ऐसे क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रहे होंगे जो कि अफोर्ड कर सकता है $400,000 का, तो देन द बैलेंस विल बी समवेयर एल्स। लेकिन मैं एक यूज़र हूँ जिसको यूटिलिटी चाहिए, आई डोंट हैव मनी कि मैं $200 से ज़्यादा एक फ़ोन पे स्पेंड कर सकूँ, देन देर आपकी जो ऑप्टिमम रेंज होगी, द बैलेंस बिटवीन एस्थेटिक्स एंड फंक्शनैलिटी, वो कहीं और होगा। तो इट इट टोटली वेरीज। डिपेंड्स ऑन द यस कॉन्टेक्स्ट कि किस के लिए बना, आपका एंड यूजर कौन है, जी आप के पास उसका बजट कितना है, एग्जैक्टली आप किसके लिए उस चीज को किस बना कॉन्टेक्स्ट में रहे मैं हैं आ और रहे किस हैं, कॉन्टेक्स्ट में, किसके वो कहाँ आपका यूज यूज़र कौन होगा, है, आपका डेमोग्राफिक्स क्या एग्जैक्टली होंगे उसके। और जैसे आपको पता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जब हम डिज़ाइन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारा यूज़र रिसर्च इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और हम ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। आप हमें बताएंगे कि वहाँ पे नश के अंदर, साडा इन में साडा के अंदर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की डिग्री के अंदर आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, मतलब क्या प्रोसेस होता है एज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, जो डिज़ाइन का प्रोसेस है वो क्या है? हमारे पास जो यूजुअली स्टूडेंट्स आते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, तो फर्स्ट ईयर जो होता है उनका, वो हम उसमें बेसिक्स ऑफ डिज़ाइंस कराते हैं उनको। बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट गिविंग द स्टूडेंट्स द बेसिक नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड बेसिक एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। तो उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को और प्रिंसिपल्स को ना सिर्फ पढ़ाते हैं सेपरेटली, बल्कि फिर हम उनको उनको ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरह से एक एक डिज़ाइन का एलिमेंट या कोई डिज़ाइन का प्रिंसिपल आपने एक्चुअल में फिजिकल में उसको किस तरह से रियलाइज़ कराना है। फिर उसके बाद BOD में हम साथ साथ उनको सेपरेटली एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ उनको कंबाइन करना भी सिखाते हैं कि एक फॉर्म जो होती है वो किस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल के साथ मिलकर बनती है। और उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम उनको यूटिलिटी या फंक्शनैलिटी जो होती है वो भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारा जो प्रोग्राम है वो आपका रियल इंडस्ट्रियल डिज़ाइन स्टार्ट होता है, जिसमें हम यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन प्रोसेसेस पे फोकस करते हैं, हम रियल प्रोडक्ट्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सकते हैं करते हैं। जिसमें सेकेंड ईयर थोड़ा कॉन्सेपचुअल होता है, थर्ड ईयर में जाके जो बच्चा होता है वो रियल इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है, जिसमें हमारा एक थर्ड ईयर का स्टूडियो स्टूडियो में जो सबसे एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा वो हम डॉलेंस के साथ करते हैं। डॉलेंस एक पाकिस्तान की एक कंपनी है, आपको पता ही होगा, तो डॉलेंस के साथ प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हम डॉलेंस के लिए बच्चों को AC डिज़ाइन, मिनी फ्रिज डिज़ाइन, इस तरह की प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और फिर फाइनल ईयर में जाके जो स्टूडेंट होता है जो उसने सारे 3 सालों में सीखा होता नॉलेज सीखी होती है वो सारी मिलके अप्लाई करता है और वो एक अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम करता जिस जो कि है। थीसिस, तो ये जी थीसिस ओपन होता है जब, मतलब हर कोई आके देख सकता है इसको। जी बिल्कुल, हमारा हर साल थीसिस की ज्यूरीज के बाद ओपन ओपन हाउस होता है साडा का, जिसमें ज़रूर आप आ सकते हैं अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रियल कोई भी आ डिज़ाइनिंग। सकता है वहां पे या सिर्फ हाँ कोई भी आ सकता है, इफ़ यू कॉन्टेक्ट अस बिफोर हैंड देन वी विल मेक श्योर कि आप आ सकें, आप हमारा ओपन हाउस हमारे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स के देख सकें। तो ये जब आप थीसिस डिस्प्ले करते हैं, ऑब्वियसली इंडस्ट्री से भी लोग आते होंगे जी वहाँ बिल्कुल पे और प्रोजेक्ट्स को देखते होंगे, तो इंडस्ट्री का रिस्पांस क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री की, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो इतनी उस तरह ग्रो नहीं की जिस तरह के बाहर के मुल्कों की इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की तरफ? देखिए, ये जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है ना, इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी हम कन्वेंशनल और बहुत ही ओल्ड स्कूल इंडस्ट्री में हैं, तो वो एक उसको उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल है। लेकिन नास्ट में ख़ास तौर पे वी आर वर्किंग ऑन इट वेरी हार्ड, और हम वी आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट हमारे डिज़ाइनर्स और हमारे ग्रेजुएट्स इनटू द इंडस्ट्री, और हम कोशिश करते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को उनकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवा दें। इसलिए हम डिफरेंट इंटर्नशिप्स प्लान करते हैं, हमारी जो फैकल्टी है वो सारी की सारी जो फैकल्टी और प्रैक्टिसिंग फैकल्टी है
That means ke they are also practicing. They are designers who are working in the industry. So hum apne students ko different organizations mein place karwate hain in internships program ke andar, aur uske baad hum job placement mein bhi unki help karte hain. And alhamdulillah, School of Art, Design and Architecture एक मैं कहूँगा वाहिद उन कुछ स्कूलों में से होगा जिसकी 100% प्लेसमेंट है. हमारा कोई एक ग्रेजुएट भी इस वक्त जॉबलेस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. तो जब ये इंडस्ट्री को आप मतलब प्लेसमेंट्स भी करवाते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री के, तो इंडस्ट्री इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को एज एन फील्ड एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि हमारे पास जो करंटली अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री के अंदर, या इधर वी आर कॉपिंग, या हमारे पास एक सेम प्रोसेस है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. इनोवेशन बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास जितने भी ओनर्स हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री, वो ओल्ड स्कूल ही हैं और वो उसी तरह काम करना चाहते हैं. वो इनोवेशन को, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती. तो इंडस्ट्री हमारे इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स को एक्सेप्ट कर रही है उस तरह से, उस इनोवेशन को एक्सेप्ट कर रही है. देखिए 2016 के अंदर मैंने ज्वाइन किया था. 2016 से 2023 तक एक बहुत बड़ा चेंज आया. मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ऐसा चेंज है जिसमें हम कुछ कहें कि बहुत ही बड़ा कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, लेकिन क्योंकि मैंने इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा हुआ है और मैंने उसकी जो एक एवोल्यूशन है वो भी देखी हुई है, तो मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री इज़ गेटिंग देयर. एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का आई थिंक ये इस वक्त सबसे पिवटल रोल है कि हम इंडस्ट्री को इंगेज कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को किसी ना किसी तरह एक पेज पे लेके आए एकेडेमिया के साथ, सो दैट हमारा जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, खास तौर पे मैं बात करूँगा, हमारा जो ग्रेजुएट है वो प्लेस हो सके. 2016 से 2023 में ये डिफरेंस आया है कि अब हमारे इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स जो हैं वो मार्केट में एक्सेप्टेबल भी हैं. अब बल्कि जॉब्स क्रिएट हो गए, बल्कि हमारे ग्रेजुएट्स की वजह से कुछ जिन लोगों को पता भी नहीं था, जिन इंडस्ट्रीज को पता भी नहीं था कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर या प्रोडक्ट डिज़ाइन कोई चीज़ भी होती है, तो आज वो जॉब पोस्ट करते हैं स्पेसिफिकली. मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी है जिसमें वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइनर या इंडस्ट्रियल डिजाइनर. जब आप ग्रेजुएट होते जब ये जॉब पोस्ट नहीं आती थी जी, आपकी ग्राफिक डिजाइनर नहीं, हम तो पहला बैच थे और पायनियर बैच थे हम, और हमें नहीं पता था क्या स्कोप होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना स्कोप खुद ही बनाया और मतलब मार्केट ने एक्सेप्ट किया. यहां पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने बात की कि हमारी 100% प्लेसमेंट, उसकी एक और वजह हमारी नेचर ऑफ फील्ड भी, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की जो फील्ड है वो इतनी ब्रॉड है, वो इतनी ब्रॉड है कि हमारा जो बच्चा होता है वो ग्राफिक डिज़ाइन में भी एडजस्ट हो जाता है, वो यूआई यूएक्स में भी एडजस्ट हो जाता है, वो टेंजिबल प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर भी हो जाता है, वो इंट्रोडक्शन डिज़ाइन के अंदर भी हो जाता है, इवन हमारे कुछ ग्रेजुएट्स गेम डिज़ाइन के अंदर हैं और फिल्म मेकिंग के अंदर भी. हाँ, मैंने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट जो हैं कुछ इलेक्ट्रिक कार्स भी बना रहे हैं, और बहुत मतलब एक ने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, एक ने इलेक्ट्रिक कार बनाई, एक हमारे ग्रेजुएट हैं जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों के लिए मशीन्स क्रिएट की हैं जो कि वो यूज़ कर रहे हैं. तो मतलब ऑब्वियसली फील्ड बहुत वाइड है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है विद इन पाकिस्तान, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है ये, क्योंकि आप कहीं पे भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्किल और अपने नॉलेज को. एकेडमिकली मैं बात करूँगा, सबसे जो अच्छी बात है हमारा ग्रेजुएट इस वक्त एक्सेप्टेबल इन आईवी लीग स्कूल्स इन द वर्ल्ड. हमारे ग्रेजुएट्स इस वक्त आपको पार्सन्स में मिल जाएंगे, पॉलिटेक्निक मिलानों में मिल जाएंगे, आपको दुनिया की जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं AA आर्किटेक्चर का, उसमें हमारे ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे. तो आई थिंक कि जो एक्सेप्टेंस है हमारे ग्रेजुएट की और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की, वो ना सिर्फ हमारी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी होती जा रही है, बल्कि हमारा ग्रेजुएट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाके मास्टर्स के लिए जगहें सोर कर रहे हैं, इवन गेटिंग स्कॉलरशिप्स. हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप्स भी लिया. एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो थोड़ा सा, इट्स नॉट अबाउट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इट्स ओवरऑल अबाउट एजुकेशन. तो हर इंसान कहता है कि मैं उस फील्ड में जाऊंगा जिसमें पैसा ज़्यादा हो, यानी एवरीवन वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर, कि जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है हम उस फील्ड में जाएंगे. तो पैसा किस फील्ड में है? मैं कहूँगा कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, और आप उसके जीतते जाते सबूत हैं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप अपने सेकंड ईयर से या थर्ड ईयर से, मैं आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम अ सेकंड ईयर. तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ग्रेजुएट की एक अच्छी बात भी है एक फील्ड की, और थोड़ी सी बुरी बात भी है कि हमारा जो ग्रेजुएट होता है ना, ऑन एवरेज वो अपने पांचवें सेमेस्टर से पैसे कमाना शुरू कर देता है, जिससे कुछ लोग जो होते हैं वो ऑफ ट्रैक भी हो जाते हैं कि वो जब पैसा देखते हैं तो दे स्टॉप फोकसिंग ऑन द स्टडीज. तो एक चीज़ है. तो मैं कहूँगा कि अगर आप देखें फाइनेंशियल सिचुएशन को पाकिस्तान की,
मैं ये समझता हूँ जो बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी किसी डिग्री की है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की। वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से, तो एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर अगर हम कहें तो हाउ मच एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर कैन अर्न, मतलब लिमिट्स क्या हैं? मतलब लिमिट्स तो मैं नहीं बता सकता आपको, मतलब हाउ हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, मतलब मैक्सिमम कितना, मतलब यू कैन टेल अबाउट पीपल जिनका आपको पता हो कि मतलब जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पे ड्रॉ कर रहे हैं अपनी इस फील्ड से मैक्सिमम अमाउंट। जो मैं अभी आपके दो तीन स्टूडेंट्स को बताऊंगा वो आउटलायर्स हैं, मतलब दे आर डूइंग एक्सेप्शन। हर बच्चा ऐसा नहीं होता, हर 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 स्टूडेंट इतना नहीं कमाता, लेकिन वी हैव स्टूडेंट्स जो अभी मे बी हार्डली वन एक साल हुआ होगा उनको ग्रेजुएट हुए हैं या इससे भी कम, एंड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज ड्रॉइंग 1.5 मिलियन रुपीस पर मंथ। ही इज वर्किंग फॉर अ यूएस बेस्ड गेम स्टूडियो एंड ही इज वर्किंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो उनके लिए एसेट्स जॉइन करते हैं, एसेट्स डिजाइन करते हैं, एंड ही इज ड्रॉइंग 1.5 मिलियन रुपीस इन रुपीस आई एम टेलिंग। और व्हाट इज द मिनिमम, इफ वी टॉक अबाउट एन एवरेज स्टूडेंट हु इज गुड, नॉट द बेस्ट, who is good in his studies aur apne kaam mein wo behtar hai, to how much on average hamara fresh graduate on average somewhere between 60 to 80,000 draw kar raha hai, this is the start, yes main bata raha hu fresh graduate, fresh graduate this with the, for example if someone has zero experience he starts today he can earn like 60 to 80,000, lekin ye 60 to 80,000 sirf uski job ke paise hai, main uski freelancing ki baat nahi kar raha। I have not seen a single student जो freelancing ना तो freelancing में हम इसमें किस तरह से earn कर सकते हैं? freelancing में हमारे पास different platforms हैं और कमाल की बात ये अगर आप Fiverr पे जाएं जो एक बहुत बड़ा बहुत मशहूर platform है freelancers के लिए, वहाँ पे अगर मुझे नहीं पता कि कितनी fields हैं, लेकिन मैं ऐसे समझता हूँ हमारा graduate एटलीस्ट 5 से 6 fields के अंदर वहाँ पर बिड कर सकता है इजिली। उसको ग्राफिक डिज़ाइन भी आती है, उसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी आती है, उसको 3D मॉडलिंग भी आती है, उसको थोड़ी बहुत एडिटिंग भी आती है, एनिमेशंस भी आती हैं उसको। तो आप देखें कि हमारा जो स्टूडेंट है वो फ्रीलांसिंग भी बड़ा ईजिली कर लेता है। तो आई हैव नॉट सीन अ सिंगल स्टूडेंट जो कि सिर्फ जॉब कर रहा हो, वो साथ में ऑन द साइड हर महीने में एक दो प्रोजेक्ट्स फाइवर से उठा रहे हैं या लोकल इंडस्ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट उठाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और यूथ के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहें जनरली एजुकेशन से रिलेटेड और अबाउट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन? मुझे लास्ट स्टार्टअप को ज्वाइन किए हुए आज आई थिंक ऑलमोस्ट 8 years हो गए, एंड आई वाज लाइक आई मेंशन्ड बिफोर आई वाज आल्सो टीचिंग असिस्टेंट बैक इन साउथ कोरिया, एंड आई आल्सो हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सम अमेजिंग प्रोफेसर्स। आई हैव सीन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, एंड वाई आई एम टेलिंग दिस के मैंने इन सब जगह जाके ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैंने वहाँ के स्टूडेंट्स को भी ऑब्जर्व किया है। जो एक की फैक्टर मुझे लगता है हमारे यूथ में, पाकिस्तानी यूथ में जो मिसिंग है, अब मुझे नहीं पता ये बाकी स्कूल्स में ऐसा है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की मैं खास बात, हमारा जो स्टूडेंट है ना, हमारा जो बच्चा है, वो सुबह उठता है ना तो उसका कोई गोल नहीं होता लाइफ के अंदर, वो बस उठता है और वो स्टूडियो में आ जाता है या वो क्लासरूम में आके बैठ जाता है। आई बिलीव मेरी एडवाइस सबके ये होगी कि जब आप अपने यूनिवर्सिटी की तरफ ट्रैवल करें या अपनी अपनी अपने हॉस्टल से या अपने घर से जब आप कम्यूट करें तो आपका एक मकसद होना चाहिए उस दिन का, कि उस दिन में आपने अचीव क्या करना है। अगर आप बेमकसद कोई भी काम करेंगे मुझे लगता है वो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। तो मेरी एडवाइस सबके साथ ये होगी, बाकी सब एडवाइस तो सेम ही है कि आप टाइम पर सोएँ और टाइम पर उठें, लेकिन मैं ये एक चीज़ जो कहूँगा कि आप अपनी अपना एम लेकर आए रोजाना का, ये नहीं कि बस आपने क्योंकि यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी तो आप जा रहे हैं और आप जाके स्टूडियो में बैठ गए हैं एंड यू हैव नो गोल। आपका रोजाना का एम होना चाहिए कि यदि आज मेरा ये एम है, ठीक है। और दूसरी जो एडवाइस है, बैलेंस बिटवीन योर लेजर एक्टिविटीज एंड योर स्टडीज। आप कितना टाइम आपने अपनी स्टडीज को देना है, अपनी स्टूडियो को देना है और अपने स्टूडियो के काम को देना है, और कितना टाइम आपने अपने दोस्तों को देना है या आपने अपनी आउटिंग को देना है, और इट्स अ बैलेंस। अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू एक्सेल, देन यू नो यू हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द स्टूडियो वर्क। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी यू डोंट वांट टू बिकम अ वेरी गुड डिज़ाइनर, बिकॉज वन थिंग इज वेरी क्लियर अबाउट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इट्स वेरी ईजी टू गेट इन बट इट्स नॉट वेरी ईजी टू यू नो finish it, and you know it very well ke it requires a lot of time and lot of efforts. Ek aur question, matlab ab to hamari discussion almost it has came to an end, lekin hum ye pehle question chhod diya humne,
जब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या आर्किटेक्चर में जब भी इनटेक होती है तो हाउ मैनी पीपल आर देयर जो कि छोड़ के चले जाते हैं बीओडी में? मैं कोई नंबर एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन एक अच्छी सिग्निफिकेंट. क्यों? क्योंकि ये आप जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है या डिज़ाइन एजुकेशन जो है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, आर्किटेक्चर तो खास तौर पे थोड़ी और ज़्यादा आई वुड से टाइम एफर्ट्स रिक्वायर करती है. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात की जाए तो ये किसी नॉर्मल स्कूल की तरह ये नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आप जाएँ और आप तीन घंटे का लेक्चर लिया और फिर आप वो तीन घंटे का लेक्चर लेकर आप उसको एमलेसली आपने सुना और आप भूल गए और फिर आपने एग्ज़ाम की एग्ज़ाम से पहले एक रात पढ़ा और आपने एग्ज़ाम दे के एवरेज नंबर ले लिया और पास हो गए. इसमें जूरीज हैं, इसमें क्रिट्स हैं, क्रिटिक्स हैं. आपकी हर लेवल के ऊपर मार्किंग हो रही है, आपकी हर लेवल पे आपको देखा जा रहा है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं. एग्ज़ाम्स आर देयर, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं भी करते या एग्ज़ाम्स आप बहुत अच्छे करते हैं और आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होते तो आप फेल हो जाएंगे. तो हर और एक सेमेस्टर में ऑन एवरेज 2 से 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो अगर आप और 2 से 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं और तकरीबन ऑन एवरेज 3 जूरीज होती हैं. 3 जूरीज का मतलब ये कि हम इंडस्ट्री से हम एक्सपर्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो आपके प्रोजेक्ट को जज करते हैं और आप उनको जूरी देते हैं. तो अगर आप पहले प्रोजेक्ट, अगर आप रोज़ाना काम नहीं कर रहे या आप प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू यू नो कमज़ोर दिलों के लिए नहीं है ये, मैं यही कहूँगा. बहुत लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नहीं हो सकता, कि ये नहीं हो सकता. या मैं इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको डरा दूँ, आपके व्यूअर्स को डरा दूँ. इट्स अ वेरी इंगेजिंग फील्ड, यू इंजॉय इट, यू रियली इंजॉय इट, बिकॉज इसमें आप जो पढ़ रहे हैं आप वो प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं साथ साथ. तो इट्स वेरी वेरी, बट इफ़ यू बैलेंस योर टाइम देन आई बिलीव के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या आर्किटेक्चर आपके लिए एक डिग्री है जो कि आपको ना सिर्फ अच्छा अर्न करने में मदद करेगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड, आपको इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको एक्सपोजर देगी, बट एट द सेम टाइम यू विल एंजॉय इट व्हाइल यू स्टडी. थैंक यू सो मच आज़ीब, इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन और आई होप के हमारे व्यूअर्स ने भी आज इस डिस्कशन से बहुत कुछ सीखा होगा और आपने ये एपिसोड हमारा इंजॉय किया होगा. तो आज हम अपना ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ टॉक. थैंक यू.